अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 रियल एनालिसिस फर्स्ट का नंबर सिस्टम, तो लेक्चर नंबर 9 है। ये हमारे पास डेफिनेशन है बाउंडेड सेट। तो बाउंडेड सेट से पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि बाउंडेड अबव सेट क्या होता है, बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है, बाउंड्स क्या होते हैं, मीन के लोअर बाउंड्स क्या होते हैं, अपर बाउंड्स क्या होते हैं, लीस्ट अपर बाउंड क्या होते हैं, या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स क्या होते हैं। तो उसका जो लिंक है इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा, इसके लास्ट में, इसके डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी काइंडली देख लीजिएगा आप। चलें, ये आपके पास डेफिनेशन है बाउंडेड सेट की। ए सेट एस ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड बाउंडेड। आपके पास कोई भी सेट ले लेते हैं, ये आपके पास सब सेट है रियल नंबर्स का, इफ एंड ओनली इफ इट हैज एन अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। तो हम कह सकते हैं कि एक सेट है, अगर उसके लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं तो वो बाउंडेड सेट होता है। देखें, इन अदर वर्ड्स में भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। अदर वर्ड्स क्या है, ए सेट एस ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड बाउंडेड इफ़ इट इज़ बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। कि आपके पास अगर एक सेट है वो बाउंडेड अबव भी है एज वेल एज बाउंडेड बिलो भी है, देन द गिवन सेट इज कॉल्ड बाउंडेड सेट। इसको फिर अदर वर्ड्स में हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ए सेट एस ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड बाउंडेड इफ़ इट हैज़ बोथ सुप्रीमम एंड इन्फीमम। कि अगर आपके पास कोई भी सेट है नॉन एम्प्टी, उसकी सुप्रीमम एंड इन्फीमम बोथ एग्जिस्ट करती है, तो तब भी वो कैसा होगा, बाउंडेड सेट होगा। इन तीनों में से जो भी आप इसकी डेफिनेशन यूज़ करना चाहें, कंसेप्ट एक ही है इसका। देखें, अब आगे हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं कि क्या है इसका कंसेप्ट। देखिए, आपके पास ए एक सेट है 1, 2, 3 अप टू 100 तक, ठीक है। अब आप नोट करें कि ये जो सेट है ये इसके अपर बाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, लोअर बाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, इसके अपर बाउंड्स कौन सी वैल्यूज़ होंगी, वो तमाम वैल्यूज़ इसके अपर बाउंड्स होंगे जो 100 से अबव होंगे, 100 से ग्रेटर होंगे। ज़रूरी नहीं होता कि अपर बाउंड लोअर बाउंड उस सेट में एग्जिस्ट करने चाहिए, अपर बाउंड्स तो सेट से बिलोंग नहीं करते, अपर बाउंड तो सेट से बाहर होते हैं। तो हर वो वैल्यू जो 100 से ग्रेटर होगी, 100 भी उसमें इंक्लूड है, 100 से इन्फिनिटी तक, तो सारे के सारे इसके वो अपर बाउंड्स हैं। इसी तरह 1 से माइनस इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, तमाम के तमाम इसके अपर लोअर बाउंड्स हैं। तो इस सेट के लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन द गिवन सेट इज़ बाउंडेड। देखें, सेकंड हमने इसकी देखी थी कि ये बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो है, बिल्कुल है। तो ये बाउंडेड अबव बाई 100 है, बाउंडेड बिलो बाई 1 है, ठीक है। मीन के इसमें हमें ये जो है ना, ये पता है कि इससे जितने भी एलिमेंट छोटे होंगे तो सारे इसके बाउंडेड बिलो कहलाएंगे एलिमेंट्स, और इससे जितने भी ग्रेटर एलिमेंट होंगे वो सारे बाउंडेड अबव एलिमेंट कहलाएंगे। तो ये बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड अबव बाई 100 है, बाउंडेड बिलो बाई 1 है। और फिर हमने थर्ड इसका कंसेप्ट देखा था कि इसमें सुप्रीमम या इन्फिमम एग्जिस्ट करती हो। देखें, 100 जो है इसकी सुप्रीमम है, सबसे सुप्रीम वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, और 1 जो है इसकी इन्फिमम है, तो इसकी सुप्रीमम एंड इन्फिमम भी एग्जिस्ट करती है। आप कह सकते हैं कि ये एक बाउंडेड सेट है। इसी तरह आपके पास एक इंटरवल है, ये जो इंटरवल है ये आपके पास एक क्लोज्ड इंटरवल है। इसमें आप नोट करें, उस सेम प्रोसेस है ना, ये भी बाउंडेड है ना, क्योंकि आपको पता है कि 1 से अबव जितने एलिमेंट है इसके बाउंड्स अपर बाउंड्स हैं, और 0 से बिलो जितने एलिमेंट है 0 भी उनमें इंक्लूड है, तो वो इसके क्या, कौन से एलिमेंट है, बाउंडेड बिलो एलिमेंट्स है। तो इसमें सुप्रीमम भी है 1 और इन्फिमम भी है 1, तो ये बाउंडेड सेट है। इसमें देखें आप नेक्स्ट एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल नंबर ये सी है, जैसे आपके पास के 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। अब आप नोट करें कि ये जो सेट दिया गया है ये सेट बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड ये आपके पास बाउंडेड अबव नहीं है, ठीक है, नॉट बाउंडेड अबव, ये बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड बिलो तो है, बाउंडेड बिलो बाई 1 है। मीन के हमें पता है कि 1 से छोटे जितने भी एलिमेंट होंगे 1 में उनमें इंक्लूड होगा, वो सारे के सारे इस सेट के बाउंडेड
लोअर बाउंड्स कहलाएंगे। तो इसलिए ये बाउंडेड बिलो तो है, बट इस ये नहीं पता कि ये बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव नहीं है क्योंकि लास्ट एलिमेंट का आइडिया नहीं है, तो नॉट बाउंडेड। तो ये दिया गया सेट जो है वो बाउंडेड नहीं है। इसी तरह आपके पास ये देखें डी की जो एग्जांपल है, ये है 2 1 0 माइनस 1 माइनस 2 अप टू वन। अब ये बाउंडेड अबव तो है कि 2 से ग्रेटर जितने एलिमेंट्स होंगे उनमें 2 भी इंक्लूड होता है, वो सारे के सारे इसके अपर बाउंड्स कहलाएंगे। बट आप नोट करें इसमें स्मालर एलिमेंट का हमें आइडिया नहीं है, तो इसके लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते। बाउंडेड अबव सेट तो है, बाउंडेड बिलो सेट नहीं है, तो नॉट बाउंडेड। तो ये तो बाउंडेड सेट की डेफिनेशन थी आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इसमें देखें क्या शो करना है कि थ्योरम में इफ अल्फा इज द लोअर बाउंड ऑफ सेट एस एंड बीटा इज द अपर बाउंड ऑफ सेट एस देन प्रूव दैट। प्रूव ये करना है आपने कि अगर आपके पास सपोज दैट, लेट सपोज के एक सेट है और अल्फा जो है उसकी क्या है लोअर बाउंड है एंड बीटा जो है उस सेट की क्या है अपर बाउंड है, तो शो ये करना है कि जो लोअर बाउंड होती है ऑलवेज लेस देन इक्वल होती है अपर बाउंड से। ठीक है, तो लोअर बाउंड अपर बाउंड का कंसेप्ट इसमें हम यूज़ करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। सिंस देखें, सिंस आपके पास क्या कंसेप्ट है, सिंस अल्फा इज़ द लोअर बाउंड ऑफ एस, तो क्या लोअर बाउंड की डेफिनेशन होती है, जो लोअर बाउंड होती है उस सेट के हर एलिमेंट से लेस होती है और इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो बाउंड्री वाला एलिमेंट होता है सबसे उसमें जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है वो भी उसकी लोअर बाउंड में इंक्लूड होता है। तो अल्फा हम ये कह रहे हैं कि अल्फा जो है उसकी लोअर बाउंड है, तो अल्फा लेस देन इक्वल होगा फॉर ऑल एस के एलिमेंट से, उसके तमाम एलिमेंट से लेस देन इक्वल होगा। इसी तरह सिमिलरली सिंस बीटा इज अपर बाउंड, वो कह रहे हैं कि बीटा इसकी अपर बाउंड है, तो बीटा किस तरह का एलिमेंट होगा, जितने भी फॉर ऑल एलिमेंट्स है फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ एस लेस देन इक्वल टू बीटा, बीटा उन तमाम एलिमेंट से ग्रेटर होगा, इक्वल भी हो सकता है, उसकी जो उसका उस सेट का जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वो भी उसमें शामिल होगा अपर बाउंड में। तो फ्रॉम इक्वेशन इनको अगर हम कंबाइन करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर टू को कंबाइन करें आप, तो क्या रिजल्ट मिलता है आपको देखें। कॉन्सिक्वेंटली अल्फा लेस देन इक्वल था एक्स से और एक्स लेस देन इक्वल था बीटा से, तो बाई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा, अल्फा लेस देन इक्वल होगा बीटा से, तो ये जो लोअर बाउंड है लेस देन इक्वल है अपर बाउंड से, यही इसमें आपने प्रूफ करना था। चले नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम है नेक्स्ट के प्रूव दैट सुप्रीमम ऑफ अ सेट इफ एग्जिस्ट इज ऑलवेज यूनिक। तो एक एक थ्योरम प्रीवियस लेक्चर जो हुआ था उसमें हमने किया था कि इन्फिमम अगर किसी सेट की एग्जिस्ट करती है तो वो भी यूनिक होती है। ठीक है, तो इसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी सेट है नॉन एम्प्टी सेट है और उसकी सुप्रीमम एग्जिस्ट करती है तो मस्ट बी यूनिक, यानी कि सुप्रीमम एक एलिमेंट होता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स सुप्रीमम नहीं हो सकते। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कंट्राडिक्शन करेंगे। वी प्रूव दिस थ्योरम बाई, इस तरह से प्रूव कर रहे हैं देखें इस थ्योरम को कि कंट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं। कंट्राडिक्शन कैसे, क्या कंट्राडिक्शन है, फॉर दिस वी सपोज दैट सुप्रीमम ऑफ अ सेट इज नॉट ऑलवेज यूनिक। हम कंट्राडिक्शन, हम ये शो तो ये करना है कि ऑलवेज यूनिक होती है और हम सपोज कर लेते हैं कि ऑलवेज यूनिक नहीं होती। सो देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट टू सुप्रीमम एम वन एंड एम टू। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और उसकी जो सुप्रीमम है एक नहीं है, उसकी सुप्रीमम एट लीस्ट कितनी है, टू एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा देखें, वी नो दैट सुप्रीमम कैन बी ट्रीटेड एज अपर बाउंड। आप ये कह सकते हैं कि हर सुप्रीमम भी अपर बाउंड ही होती है, बट हर अपर बाउंड, एवरी अपर बाउंड नॉट अ सुप्रीमम। देखिए जितनी भी जितने भी अपर बाउंड्स होते हैं किसी सेट के, जितने भी अपर बाउंड्स होते हैं उन तमाम में जो सबसे लीस्ट वैल्यू होती है वो जो है सुप्रीमम कहलाती है। ठीक है, तो सुप्रीमम तो ओनली वन वैल्यू होती है, तो अपर बाउंड्स तो इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती है, इनके अपर बाउंड्स में से सुप्रीमम एक वैल्यू होती है और वो सबसे लीस्ट होती है। ठीक है,
वी नो दैट सुप्रीमम कैन बी ट्रीटेड एज अपर बाउंड, बिल्कुल ट्रीट किया जा सकता है एक अपर बाउंड, एक सुप्रीमम को हम एज ए अपर बाउंड भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक हो गया। चले तो यहाँ पे यही कुछ करने लगे हम केस फर्स्ट, इफ एम वन ट्रीटेड एज सुप्रीमम एंड एम टू ट्रीटेड एज अपर बाउंड। फर्ज कर लेते हैं कि इफ एम वन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं एज ए सुप्रीमम और एम टू को कैसे ट्रीट कर लेते हैं अपर बाउंड। तो क्या कंसेप्ट है अपर बाउंड और सुप्रीमम के दरमियान, क्या रिलेशनशिप हो सकती है? या तो ये इक्वल हो सकते हैं या अपर बाउंड उससे ग्रेटर होगी। ये कह सकते हैं कि सुप्रीमम लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, ठीक है। चले सेकेंड टाइम इफ एम टू इज ट्रीटेड सुप्रीमम, फर्ज किया हम एम टू को एज ए ट्रीट कर लेते हैं सुप्रीमम एंड एम वन को ट्रीट कर लेते हैं अपर बाउंड, तो फिर क्या होगा एम टू लेस देन इक्वल होगा एम वन से, ठीक हो गया। या आप कह सकते हैं एम वन ग्रेटर देन इक्वल हो गया एम टू से। देखिए ये जो आपके पास सेकेंड इक्वेशन आई है इसमें एम वन ग्रेटर देन इक्वल एम टू से और फर्स्ट में एम वन लेस देन इक्वल है एम टू से, तो दोनों कंडीशंस तो वन टाइम सेटिस्फाई नहीं हो सकती, तो इनमें से ओनली एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी और वो है इक्वलिटी की, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक हो गया। तो ये इक्वल होंगे, अगर इक्वल हैं तो हैंड सुप्रीमम ऑफ अ सेट इफ एग्जिस्ट इज ऑलवेज यूनिक, तो किसी भी सेट की अगर इन्फिमम एग्जिस्ट करेगी तो वो क्या होगी यूनिक होगी, ये हमने इसमें शो किया है। अच्छा जी आगे हमारे पास डेफिनेशन है मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ अ सेट, किसी भी सेट के मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट क्या होते हैं। देखें सुप्रीमम इन्फिमम जो है उससे मिलते जुलते ये टॉपिक है कि सुप्रीमम और इन्फिमम क्या होते हैं, सेम वही हमारे पास है। देखें डेफिनेशन है ये, इसकी डेफिनेशन है लेट करते हैं एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट, फर्ज किया एस जो है एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ए नंबर अल्फा बिलोंग टू एस, के ये जो अल्फा है ये एस से ही बिलोंग करना चाहिए, इस कॉल्ड मैक्सिमम ऑफ एस, और ये जो वैल्यू अल्फा है ये एस का मैक्सिमम होगा इफ के एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस। क्या क्या मीनिंग है इसका कि जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं एस से उन तमाम से अल्फा अगर ग्रेटर है और अल्फा भी एस से ही बिलोंग करता है तो अल्फा जो होगा वो मैक्सिमम कहलाएगा एस का, ठीक हो गया। अच्छा ये जो कंसेप्ट है सुप्रीमम इन्फिमम का तो ये उससे मिलता जुलता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो सुप्रीमम एलिमेंट होता है वो लाजमी नहीं होता कि उस सेट से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो उससे बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी, उस सेट से बिलोंग करना ज़रूरी नहीं होता। तो नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलरली ए नंबर बीटा, एक नंबर बीटा होगा जो एस से बिलोंग कर रहा है इस कॉल्ड मिनिमम ऑफ एस, एस का मिनिमम होगा इफ अगर वो एस के तमाम एलिमेंट से लेस हो, ठीक है, तमाम एलिमेंट से एस के लेस हो, और होना इसमें चाहिए कि एस में जितने भी एलिमेंट्स हैं तमाम में जो सबसे लेस एलिमेंट है वो उसका क्या कहलाएगा मिनिमम एलिमेंट कहलाएगा। अब ये जैसे आपके पास एक इंटरवल है, ये जो इंटरवल है ज़ीरो से इन्फिनिटी ये आपके पास ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल मीन कि ये जो बाउंड्री की वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी सुप्रीमम एंड इन्फिमम क्या है तो ज़ीरो जो है इसकी इन्फिमम है और इन्फिनिटी जो है इसकी सुप्रीमम है। देखें नॉन तो है, सुप्रीमम इन्फिमम नॉन है, बट अगर पूछा जाए कि क्या इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक हो गया, क्योंकि ये ज़ीरो एंड इन्फिनिटी तो इसमें इंक्लूड ही नहीं है। तो यही प्रूव करने लगे हैं, प्रूव दैट ओपन इंटरवल, ये जो ओपन इंटरवल हैज़ नो मैक्सिमम नो मिनिमम एलिमेंट, तो ये शो करेंगे कि ये जो ओपन इंटरवल है कोई भी ओपन इंटरवल है, कोई भी ओपन इंटरवल होता है उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, बट उसकी सुप्रीमम एंड इन्फिमम वैल्यू ऑलवेज एग्जिस्ट करती है। चले प्रूफ में हम देखते हैं, वी नेम दिस इंटरवल, फर्ज क्या इसको कोई नेम दे देते हैं, ए नेम दे देते हैं इसको, ठीक है। वी सपोज दैट फर्ज के एक एलिमेंट है एक्स जो इस इंटरवल से बिलोंग करता है, तो आपको पता है अगर इस इंटरवल से बिलोंग करता है तो इसमें किस तरह के एलिमेंट है, क्योंकि ज़ीरो तो इसमें इंक्लूड ही नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट अगर इस इंटरवल से बिलोंग करेगा तो मस्ट है वो ज़ीरो से ग्रेटर होगा,
तो x जो है वो 0 से ग्रेटर है। वी नो दैट इफ x ग्रेटर देन 0 देन x प्लस x, आप जो है ना डेफिनेशन आपके पास कंसेप्ट हमने देखा था इनइक्वेलिटी की एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, कि अगर आप इनइक्वेलिटी में दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करते हैं कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक हो गया, ये भी हमने लेक्चर डिलीवर किया हुआ है कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में आप देखिएगा इसको। तो ये 2x किसके इक्वल हो जाएगा, लेस ये ग्रेटर देन x है, 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा एंड ये आपके पास ग्रेटर देन 0 ही है। देयरफॉर फॉर ऑल x, क्या अगर आपके पास इस इंटरवल में कोई x है तो उसमें x का हाफ भी एग्जिस्ट करता है। अगर फर्ज के ये एग्जिस्ट करता है तो इसका हाफ भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर फर्दर फिर एक और एलिमेंट ले लेते हैं वो लेंगे तो उसका हाफ एग्जिस्ट करेगा, तो हर एलिमेंट का ऐसे हाफ होता जाएगा, बट हमें उसमें कोई भी ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर उसमें कोई वैल्यू हम ग्रेटेस्ट कहेंगे तो उससे छोटी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, उससे लेस, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसकी कोई भी वैल्यू मैक्सिमम नहीं है। ठीक हो गया, तो ए हैज़ नो मिनिमम वैल्यू। चलें अब वी सपोज दैट ये हमने ये देखा है कि इस पर कोई भी वैल्यू मिनिमम नहीं है, बिकॉज एक्स हमने ली थी तो एक्स से मिनिमम एक वैल्यू मिल गई एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू को मिनिमम कहते हैं तो एक्स बाई फोर एक और मिल जाएगी, उसको मिनिमम कहेंगे तो उससे एक और लेस, ऐसे चलते जाएंगे बट हमें मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसी तरह वी सपोज दैट वाई इसका कोई एलिमेंट है और सच दैट वाई पॉजिटिव है। अब देखें वाई हम कह देते हैं कि इसका मिनिमम एलिमेंट है, अगर मिनिमम एलिमेंट है तो दोनों साइड पे 1 ऐड कर दें। अब ये y प्लस 1 ग्रेटर देन 1, तो y प्लस 1 y से ग्रेटर है, ठीक है ना, तो y प्लस 1 ग्रेटर देन y और y, तो कहने का मकसद अगर हम कहते हैं कि y इस इंटरवल का ग्रेटेस्ट एलिमेंट है तो y प्लस 1 तो उससे ग्रेटर है, उसको ग्रेटेस्ट होना चाहिए। अगर y प्लस 1 को हम ग्रेटेस्ट कहते हैं तो y प्लस 2 भी उसमें एग्जिस्ट करता है, वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। इस तरह आप टू सो ऑन चलते जाएंगे कि अगर एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट है तो उससे ग्रेटेस्ट भी उसमें एग्जिस्ट करता है, तो इसका मीनिंग हुआ कि उसमें कोई भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, ए हैज़ नो मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक हो गया, तो ये हमने शो किया कि इसका कोई भी मैक्सिमम एलिमेंट नहीं है। देखिए ये हमने वैसे एक नोट लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन सुप्रीमम एंड इन्फिमम एलिमेंट, कि एक सुप्रीमम एलिमेंट में और मैक्सिमम एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है, वो सिंपल डिफरेंस होता है, द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ सेट इफ एग्जिस्ट ऑलवेज बिलोंग टू दैट सेट, अगर किसी सेट का कोई भी मैक्सिमम एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो मस्ट है वो सेट से बिलोंग करेगा, बट सुप्रीमम ऑफ अ सेट नॉट कंपल्सरी बिलोंग टू दैट सेट, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो सुप्रीमम है वो मस्ट है उससे बिलोंग करे, कर भी सकती है और नहीं भी। इसी तरह सेम वर्डिंग है ना, डिफरेंस बिटवीन इन्फिमम एंड मिनिमम एलिमेंट, तो मिनिमम एलिमेंट ऑलवेज उस सेट से बिलोंग करता है बट जो इन्फिमम है वो ज़रूरी नहीं है उस सेट से बिलोंग, मे आर नॉट मे नॉट, यानी कि उस सेट से बिलोंग कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक हो गया, तो ये देखिएगा इसमें फिर।